रेलवे ओवरब्रिज को धूल मुक्त बनाने की कवायद शुरू। बता दें कि रेलवे ओवरब्रिज इन दिनों दोनों ही तरफ काफी धूल इकट्ठा हो गई थी, साथ ही बारिश के चलते धूल वहीं जम गई थी, जिसे सफाई कर्मियों द्वारा आज साफ किया गया। साथ ही साइड में जमा मिट्टी के ढेर बनाए गए, जो बाद में गाड़ी के द्वारा उन्हें हटाया गया। दिन हम सुबह जड़वाते हैं ब्रिज को और दोपहर में गलेल में भी जड़वाते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी ज़्यादा जम गई थी, तो मैंने इसको रगड़वा के ब्रिज को जड़वा के और एक जगह ढेर लगवा दी। अब इसको अपन मशीन द्वारा उड़वा लेंगे इससे। तो ये ब्रिज की सफाई कर रहे हैं आप? इसी दिन सफाई करते हैं हम इसकी दोनों। यहाँ ये भी डेली इतनी मिट्टी डेली हो जाती है? नहीं, ये तो मिट्टी की जमी हुई है, लेकिन कम होती है, दो तीन ठेले मिट्टी रोज होती है। एक ब्रिज पे? हाँ जी जी, दो तीन ठेले मिट्टी हम रोज उठाते हैं। तो ये मिट्टी आती कहाँ से है? ये मिट्टी सर ऐसे आती है, जैसे ये गाड़ियाँ निकलती है, धूल मिट्टी लेके आती है गाड़ी, गाड़ियों के पहियों में लगी रहती है, तो उड़ जाती है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाहन चलते हैं। तो काफ़ी तादाद में मिट्टी है यहाँ पर? ये बारिश की मिट्टी है सर। अच्छा, तो ये पहली बार सफाई कर रहा हो? नहीं नहीं, उसी दिन सफाई होती है, लेकिन अपन ने इसको क्या अभी तली झाड़ करी है, बिल्कुल ऐसे फावड़ियों से रगड़वा के इसको पूरा निकलवाया, मिट्टी को क्लीन कर रहा है इसको। और कितनी दिन झाड़ू सुबह लगती है, दोपहर में भी लगती है, और दो दिन ठेले मिट्टी दोपहर में निकलती है, सुबह भी निकलती है, दो ठेले मिट्टी। इतनी मिट्टी निकलती है भाई साहब, बहुत परेशान है।